दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर आए दिल को भूले रास्ते मैं आपकी मर्जी के बगैर नूरुलैन से निकाह कर रोक सकती हैं तो रोक। मुझे क्यों ऐसे लड़के से मोहब्बत हुई जो मुझे नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ तेरी माँ है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वो कहते हैं ना, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो सबसे आसान रास्ता जो सामने हो ना उसे चुन लेना चाहिए। थाम ले वो हाथ जिनमें तुझे संभालने की ताकत है। खैर है, अभी तक जाग रही हूँ। अजीब सी बेचैनी हो रही थी, अभी आंख लगी है कि फिर खुल गई। अल्लाह खैर करे नूरुलैन ठीक हो। अल्लाह खैर ही करेगा। तुमने फोन नहीं किया था? करने लगी थी, फिर सोचा अब सो रही होगी, काम करके थक भी तो जाती है ना। ये भी है भाई, सुबह फोन कर लेंगे, लगा लगवा रही है। वो तो कल शाम की गाड़ी में बैठ जाएंगी, लेकिन तदबीर फातिमा बिला वजह वसवसों का शिकार नहीं हुआ करते। यहाँ बैठो। नूर जहां की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, अल्लाह खैर करे, उन्हें कौन सा बड़ा मसला है। कासिम साहब, मुझे लगता है कोई बड़ी बात होने वाली है, मेरा दिल वाकई बहुत घबरा रहा है, आप मुझे बातों में ना लगाएं। ये वहम का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। ये किताब पढ़ो, जहन बटेगा तो नींद आ जाएगी। आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता। मैं नूरुलैन की वजह से बहुत परेशान हूं, अगर उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो कहीं सोफी के लिए मसला ना बन जाए। अल्लाह बड़ा कारसाज है, किसी का काम नहीं बिगाड़ता, और हमारी इज्जत की हिफाजत भी अल्लाह ही करेगा। तुम सो जाओ, जाओ सो के। ठीक।
मान गए भाई, दाद देनी पड़ेगी खिजर की चॉइस को। अब इतनी प्यारी लड़की के लिए तो कोई भी स्टैंड ले ले। वैसे मैं सोचती थी कि खिजर किसी लड़की के लिए इतना सीरियस कैसे हो सकता है। ये सब चची की वजह से हुआ है, बाकी अगर आप ना होती ना तो कुछ मुमकिन नहीं था, पता नहीं क्या होता। बस बेटा, औलाद बड़ी जालिम चीज है। अगर कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा है ना, तो सबसे बड़ा इम्तिहान भी। पता नहीं माँ बाप क्या क्या कर जाते औलाद की खातिर। खैर, ये तो बहुत आसान मरहला था, असल मुश्किल तो आगे है, पर अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। शादी तो कर ली तुम लोगों ने, अब तो घर वालों को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मांगे भाई, बड़ी गेम खेली है तुम लोगों ने। वैसे आमिर चुप कर जा यार, फजूल बातें करता रहता हूँ। खाना खा। नूर बेटा। नूर बेटा पीछे जा। क्या मतलब है यार? भरोसा नहीं है मेरे को। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मैं डरती हूँ लोगों के सवाल जवाब से। तुमने देखा नहीं, अभी से सबने बातें करना शुरू कर दी। तुम्हारे दोस्त ने जो टॉन्ट किया है, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो मजाक कर रहा था पागल, टॉन्ट नहीं कर रहा था। अगर ये इतने गधे ना होते ना, तो मेरे दोस्त कैसे होते? मुझे नहीं अच्छी लगी उसकी बात। तुमने भी कुछ कहा नहीं, कोई जवाब नहीं दिया उसको। अच्छा, अभी जाके कह दूंगा, मार खाएगा मेरे हाथों। ठीक है, चलो वहाँ चची बैठी हैं। देखो उन्होंने कितना कुछ किया है हमारे लिए, है ना। आओ। अच्छा। कम। आप कुछ लेना चाची? नहीं बेटा, मैंने तो दो दफा खा लिया। तुमने कुछ भी नहीं खाया। नूर खाओ कुछ, भूख उड़ी हुई है मैडम की। Excuse me sir, I'm sorry to say, आपका कार्ड डिक्लाइन दे रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ट्रांजैक्शन की है। आप प्लीज एक दफा फिर कोशिश कीजिए। सर, हमने आपके बैंक से रीचेक किया है, आपका कार्ड ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड? लाइए दीजिए मुझे। सॉरी यार, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकता है? क्या हुआ बेटा? नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दो मिनट दीजिएगा प्लीज। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया था। एक्चुअली मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, कह रहे हैं ब्लॉक है, प्लीज जरा चेक कीजिएगा। क्या ताकि साहब, जितना जल्दी हो आप प्लीज आप उसको एक्टिवेट करवाइए, मैं अम्मा से बात करता हूँ। मैंने बिल पे करना है एक्चुअली, मैं खाना खा चुका। जी बहुत मेहरबान, थैंक यू। क्या प्रॉब्लम हुई? कार्ड ब्लॉक है यार, बिल पे करना है, कैश भी नहीं है मेरे पास। तो फिक्र ना करना, बिल मैं पे कर देता हूँ। अच्छा, थैंक्स।
नूर तुम अचानक से ही आ गई, बताया भी नहीं। अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर है। आपको अंदाजा तो होगा कि आपकी वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी मेरे दोस्तों के सामने। ये सब कुछ करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि जब जेब खाली हो जाती है तो दोस्तियां कैसे खत्म होती हैं। अपनी औलाद को जिंदगी का सबक सिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। शुक्रिया, नहीं सीखना मुझे कुछ, नहीं देखना मुझे दुनिया को आपकी नजरों से। मेरी आंखें बहुत बेहतर देख सकती हैं आपसे। नहीं खजर, तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, उतारो इसे। जिस दिन नूरुल ऐन तुम्हें ठोकर मार कर चली जाएगी, उस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी माँ सही कह रही थी, उसे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से मोहब्बत है। लेकिन अब तो आपको उसे कबूल करना ही पड़ेगा। नहीं भी करेंगी तो वो मेरी बीवी ही रहेगी, अब मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं। And I'm sorry. मुझे इस हद तक आपने ही जाने पे मजबूर किया है। चची से मुलाकात हुई थी, मिली थी उनसे? नहीं, उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। बेटा मिलना चाहिए था ना, एक ही शहर में रहते हुए उनकी तबीयत ही पूछ लेती जाके, फोन कर देती चची को, कोई आकर ले जाता तुम्हें। बस वो काम था, टाइम भी नहीं मिला, नहीं तो मिल लेती उनसे। अच्छा चलो, तुम्हारी भी तो मजबूरी थी। बाबा कब आएंगे? टाइम पे कर, इस टाइम पहले कभी आए? मम्मी को दो ना। बेटा फिक्र नहीं करो, कल तुम्हारे बाबा भी घर पर होंगे, तुम भी छुट्टी कर लेना। क्यों? थक गई होगी ना, जी भर के मिल लेना। नहीं तो बाबा क्यों होंगे कल घर पे? बताती हूँ, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, आराम कर लो, फिर बता दूंगी। नहीं अभी बताए ना। बेटा बात यह है कि लोगों ने अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हें भी पसंद कर लिया, बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सच पूछो तो हम लोग बहुत खुश हैं माशाल्लाह, और खासकर तुम्हारे बाबा तो बहुत ही खुश हैं, उन्होंने तो बुलाया कल उन्हें। मैं कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थक गई हूँ। बेटा खाना खा के आराम कर ले। नहीं नहीं भूख नहीं है कोई खास। सामान भी यहीं छोड़ गई है। क्या कर रही हो? किसको कॉल कर रही हो? चची को कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं है नूर, अम्मी बाबा नहीं मानेंगे। क्यों? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि अगर मेरी खिजर से शादी नहीं हुई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। और अम्मी बाबा को जल्दी किस बात की है? मैंने भी थोड़ा टाइम लिया था, वो लोग टाइम क्यों नहीं ले सकते? आप नहीं कर सकते, इसीलिए ये डिसीजन लिया मैंने। मुझसे बगैर पूछे? अम्मी बाबा ऐसे तो नहीं थे कि कोई भी फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ। मर्जियां करनी अब तुमने नूर। अजीब बात है यार, शुमाइला बाजी की दफा भी तो अम्मी ने यही कहा था कि खजाला को उसकी शादी सर से कर देनी चाहिए थी। और तुम्हें याद है अम्मी ने ये भी कहा था कि अगर माँ बाप औलाद की बात नहीं मानते तो लड़कियां गलत कदम भी उठा सकती हैं, कहा था ना। अब अम्मी बाबा को मेरी दफा क्या हो गया है? हो सकता है
हम दोनों को तुम पर एतमाद ही इतना हो कि कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि तुम भी कुछ गलत कर सकती हो। मेरे कमरे में आओ जरा। नूर बेटा, तू क्या समझती है मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा, गलत कर रहा हूँ? तुम दोनों महमे मेरी आंखें, मुझे जान से प्यारी। मैंने तुम्हारी परवरिश जितनी मेरी औकात थी उससे बढ़ कर की, और अपने तौर पर जो कुछ मैंने किया वो बहुत अच्छा किया। पापा, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि आपने कुछ बुरा किया। देख बेटा, जो कुछ तूने कहा मैंने भी मान लिया, तेरी माँ ने भी मान लिया। हमने उसकी वालदा को बुलवा भी दिया बगैर सोचे समझे, देखे भाले, और उस खातून ने जो कुछ किया वो तो मेरी बच्चियों से पोशीदा नहीं हुई। मैं ये बातें तुम्हें जताने के लिए नहीं, एहसास दिलवाने के लिए कर रहा हूं, और मुझे यकीन है मेरे बेटे जरूर एहसास करे। एक अच्छी बेटी बात को आसानी से समझ जाती है। नहीं बाबा, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने जो किया है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ना मेरा बेटा, कौन कहता है कि तू अच्छी बेटी नहीं है? तू ही तो पूरी दुनिया में मेरी बेटी सबसे अच्छी, बहुत प्यारी है मेरी बेटी। बाबा, आप चच्ची से बात करें, उनको कुछ पता है। क्या पता है? आप उनसे ही पूछ लें। मैं जानने के लिए आया हूं कि उसने क्या जवाब दिया। खुश तो है ना? खुशी कैसे होगी भाई साहब? हर बार आप मुझे मौका देते हैं, इस बार ही मौका मैं आपको देता हूं। मुझे कल तक सोच के बताइए कि आप मेरी बात मानेंगी या क्या मैं आपके अनुर रहने से किसी कुछ हूँ। ठीक है खिजर, आखिर तुमने वही किया जो उसने तुम्हें कहा था। अब मैं तुम्हें उसने कुछ नहीं कहा अम्मा, जो कुछ किया है मैंने खुद किया। उसके घर वालों को पता है? नहीं। मैं जानती थी उसकी हैसियत ही यही है। गॉड से कम, एक ही बात को बार बार दोहराने का आखिर मकसद क्या है? जितनी जल्दी हो सके तुम इस किस्से को खत्म करो और उसे कुछ दे दिला के फारिग करो। आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? और तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या हरकत की है? जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें क्यों नहीं दे सकती? ऐसा सिर्फ आप सोचती हैं अम्मा,
किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, और अगर दिया भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसने मेरा साथ दिया है, मुझे धोखा नहीं दिया। कितने अरसे से जानते हो तुम उसे? 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, आखिर तुम उसे जानते ही कितना हो जिसकी वजह से आज तुम मेरे सामने खड़े हुए हो? अगर तुमने मुझसे ताल्लुक रखना है तो उससे ताल्लुक खत्म करना होगा। काशी, पीछे से तेरे अब्बा को खाना कौन देता था? सोफिया वो देती थी। दवा भी वही दे रही थी? जी। नागा तो नहीं हुआ कोई? नहीं हुआ। अच्छा मुझे बता, सोफिया आपा के ससुराल में से कोई आया था नूर के रिश्ते की बात करने? नूर आपा की शादी हो रही है। सुना तो मैंने भी है, ये शायद हो ही जाए। अच्छा चल एक काम कर, जरा नूर आपा को तो बुला के ला। सारी बातें आपने आज ही करनी थी, चांस मरवा दिया आपने मेरा। इधर देना जरा मुझे अपना मोबाइल, कभी कोई बात सुन भी लिया कर। सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। चाय पियेंगे या कुछ ठंडा लाऊं? नहीं बेटा, मैं तेरे से एक बात करने के लिए आया था। जी जी। काशी बेटा जरा बाहर जा तू। जी भाई साहब। जरा आकर ये बाबा के कपड़े देखना प्लीज। आ रही। नूर देख लो ना। आ रही। वजाला, मैं ये बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हें ये पता है कि सूफी के ससुराल वाले नूर का हाथ भी मांग रहे हैं? जी भाई साहब, मुझे बताया है नूर। तो यही मैं जानने के लिए आया हूँ कि उसने क्या जवाब दिया। खुश तो है ना? खुशी कैसे होगी भाई साहब, उसके दिल में जो है ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैंने उसको समझा दिया कि बड़ों का फैसला मानने में इज्जत है। बड़ी परेशान थी बेचारी, इस्लामाबाद में मुझे फ़ोन भी किया था, मिलना चाह रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि आपा की तरफ तो मत आओ, ज़रा सी कोई बात निकल गई ना फिर तो आपको पता ख़ानदान में बातें कितनी बनती हैं। ये तो तुमने ठीक किया, असल में हम उन लोगों को कल बुलाना चाह रहे थे। मैंने नूर से बात की तो मुझे कहने लगी कि
पहले मैं तुमसे बात करूं। जी भाई साहब, वो बात दरअसल ये है कि वो बड़ी शर्मिंदा है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही आपसे कोई भी बात करने की, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूं। इतना तो वो भी जानती है कि वालदैन का हुक्म मानने में औलाद की भलाई है। आप बुलाइए उन्हें भाई साहब, उसे कोई एतराज नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम आप समझ नहीं रहे, उसने मुझे अभी बताया कि कल उसके घर लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं उसका। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं दोबारा उसके घर नहीं जाऊंगी। और ये जो सब हुआ था क्या ये काफी नहीं था? मां बहुत बुरा हो जाएगा, मैंने निकाह किया उससे, कल वो अपने घर में सब कुछ बता देगी। ये सब उन लोगों को पहले ही पता होगा, उन सब ने मिलके ये खेल खेला है तुम्हें फंसाने के लिए। तुम इनका खेल कभी नहीं समझोगे खिजर। मां प्लीज मेरी खातिर, सब उसको एक बार रुख्सत करके ले आइए, उसके बाद शायद मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। मुझसे कोई ताल्लुक मत रखिएगा उसके बाद। नहीं, और जो काम नहीं हो सकता उसके लिए मुझसे बहस मत कर, मैं वैसे भी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ काम की वजह से। मैं, ये किसी लड़की की इज्जत का सवाल है, वो अपने घर वालों को क्या जवाब देगी? इसके बारे में सोचना तुम्हारा काम है, वो बेहतर जानती होगी कि वो अपने घर वालों को क्या जवाब देगी। और क्या ये सिर्फ उसकी इज्जत का मसला है, हमारी नहीं? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं क्या कहूंगी लोगों को कि मेरे बेटे ने क्या किया? अम्मा मुझे बस आपका जवाब चाहिए, आप मेरा साथ देंगी या नहीं? आप मेरे साथ चलेंगी या नहीं? ठीक है, हर बार आप मुझे मौका देती थी, इस बार ही मौका मैं आपको देता हूं। मुझे कल तक सोच के बताइए कि आप मेरी बात मानेंगी या क्या मैं आपके अनुरोध रहने से किसी को चलूं। ये सब बातें उसने तुमसे खुद की है ना? जी भाई साहब, मुझे पता है हो सकता है आपको या भाभी को अच्छा ना लगा हो, लेकिन इतना तो आपको पता है कि वो बचपन से ही माँ से भी ज्यादा मेरे करीब है। ऐसे एक बात का गिला है मुझे आपसे, आप लोगों ने नहीं बताया लेकिन मेरी बच्ची ने फौरन बता दी। तो भाई इसमें गिले की क्या बात है, तुम गई हुई थी, हमने सोचा कि दो रोज बाद वापस आ जाओगी, घर की बात है आराम से बैठ के कर लेंगे। जानती हूँ भाई साहब, बस ऐसे मैंने तो मजाक में गिला कर दिया। बड़ा अरमान है मुझे नूर की शादी का, आप कल बुलाए उन्हें, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह, मैं तुम्हारा बड़ा मशकूर हूँ, तुमने नूर को न सिर्फ ये कि बेटी कहा बल्कि माना, और मैं हमेशा तुम्हारा एहसान कि तुमने उसे राजी कर। कमाल करते हैं भाई साहब, एक मिनट में पराया भी कर दिया, उसे मेरी बेटी भी कहते हैं, एहसान की बात भी करते हैं। मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। और अब आप चाय भी पी के जाएंगे, अभी मैं दूध पत्ती बना के लाई आपके लिए। ठीक है, सज्जाद जाग रहा है? जी भाई साहब जाग रहे हैं। मैं उसी के पास बैठता हूँ। जी आप बैठे और मैं अभी आप दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। अभी तक बाबा के कपड़े नहीं इस्त्री किए तुमने, कहाँ घूमो?
बाबा नीचे आ गए। क्यों बेचैन हो रही हो इतनी? जब से इस्लामाबाद से आई हो अजीब हरकतें कर रही हो। चची से क्या कहा है तुमने? मुझे बता देती, बाबा को बताया होता। बाबा को क्या बता देती? वही जो चची को बताया। एक छोटी सी बात से तुमने पूरे घर को परेशान किया हुआ। छोटी सी बात तो नहीं है सूफी। तुम ये शादी नहीं ना करना चाहती? अभी भी खिजर का सोच रही हो? कोई तुम्हारे से जबरदस्ती नहीं कर सकता। साफ साफ बोल दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला सकती। बाबा से कैसे बात करूं? उनका कैसे सामना करूंगी? समझ नहीं आ रहा। शाबाश बेटा, आज आपने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। लेकिन बेटा, मुझे एक बात का बड़ा दुख भी हुआ। तुमने अपनी चची से ये क्यों कहा कि तुम बाबा का सामना नहीं कर सकते? देखो बेटा, मैंने आज तक अपनी बच्चियों को हमेशा अपना दोस्त समझा है, और अच्छे दोस्त दिन के बाद दोस्तों पर एतबार करके उन्हें बता देते हैं। जी चल रहा कि पहले आपने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब मुझे घर ड्रॉप करने के बहाने आप मेरे घर तक जाएंगे, फिर वहां बात शादी तक पहुंच जाएगी, है ना? रात ढूंढ लाई है ख्वाब खोए खोए, राखनी नए कोई सांसों में पिरोए, दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते, आंखों में है मिलते वो जो कभी। बाबा को बताएं सुनो, ने तुम्हारी मर्जी पूछी थी तो मैंने कह दिया कि तुम तैयार नहीं। क्या मतलब? क्या सीधे से जाके बात बता देती? यही कहना था ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस रिश्ते से खुश हो, तो मैंने कहा नहीं, तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ उसके। देखो जब तक खिजर अपने माँ बाप को नहीं मना लेता, बात करना मुनासिब नहीं है। इससे हमारा सारा बना बनाया जो हमने किया सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं लेकिन आपने उन्हें बताना तो था कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो आ रही है तो नहीं आने दो, रिश्ता मांगने आ रहे हैं, हाथ पकड़ के ले तो नहीं जाएंगे ना। देखो अगर हमने इस तरह बात की तो सोफी का रिश्ता खराब होने का भी अंदेशा है। हम वक्त मांगेंगे और बीच में कोई बात बना के तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे। बाबा मान तो जाएंगे ना? देखो अगर तुम इतनी बेसब्री हो रही हो तो फिर खुद जाके बता दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कहा था सब कुछ संभालेंगी, अब आप ऐसे कैसे कह सकते? तो कर तो रही हो, अगर तुम मुझे करने दो। देखो तरीके से बात करनी है ना, अगर तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट कर सकती हो कि मेरे कहने पे तुम निकाह कर सकती हो तो इतना भी कर दो कि मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी। तुम खिजर से बात करो कि जल्दी से अपने घर वालों को लेके आए। मैंने उसे कहा था, वो कह रहा था ठीक है मैं ले आऊंगा। तो फिर क्यों परेशान हो रही हो बेटा? सब ठीक हो जाएगा, जाओ जाके सुकून से सो जाओ। और इस वक्त अगर बार बार ऊपर आओगी तो तुम्हारे माँ बाप को शक हो जाएगा, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने जब कहा है सब ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ जाके आराम से सो जाओ, ठीक है? कुछ नहीं होता।